प्यार होता 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 कई बार है। तो गाइस आपने ये गाना अभी तक सुन ही लिया होगा, नहीं सुना तो जाकर सुनो, क्यों? क्योंकि ये गाना TJMM मूवी के तू झूठी मैं मक्कार का जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉप हुई है। और ये गाना क्या ही कमाल की है, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, इस गाने का मोटिवेशन बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो चुका है और जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, जो एक रिलेशनशिप में है और सीरियस है, उनके लिए भी है। दोनों को ये टारगेट करती है, दोनों टारगेटिंग ऑडियंस है इसकी। तो कहीं जाइएगा मत, मेरे वीडियो में अंतिम तक बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये गाना एक दिल टूटे आशिक को एक सराहना देता है, जैसे आपका दिल भी टूटा होगा, सबका दिल टूटता है एक बार। अगर दिल नहीं टूटा तो फिर क्या ही प्यार किया भाई, दिल है तो टूटेगा ही, एक बार तो टूटना बनता है। और अगर टूटेगा नहीं तो संभलोगे कैसे, और संभलोगे नहीं तो फिर उसके बाद जिंदगी को झेलने की शक्ति कैसे मिलेगी। तो ये गाना भी उसी पे बनाया गया है कि जो ब्रेकअप हो गया जिसका, वो अगर उदास होकर उसी में लम्हे में टाइम में अगर बिता देगा तो फिर क्या फायदा। एक दिल टूटा तो उसके बाद दूसरा ट्राई करो ना, दूसरा अगर एक बार दिल नहीं टूटा तो फिर आज तुमने इश्क ही किया, तुमने मोहब्बत ही किया। तो एक बार टूटना तो बनता है, टूटने के बाद तुम उठते कैसे उससे, और उसके बाद फिर कितने लड़कियों के पास जाते हो, और किससे तुम्हारा सिंक बैठता है, वो ज्यादा जरूरी। तो ये गाना में ये समझाने की कोशिश की जा रही है। बात करें तो ब्रेकअप मोटिवेशन तो देता ही है, क्योंकि जिसका ब्रेकअप हो गया उसको उदास होने की जरूरत नहीं है भाई, हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा ट्राई कर लो ना, क्या दिक्कत है, क्या पता वहां सिंक हो जाए। तो ब्रेकअप होता है, इट्स नॉर्मल, लेकिन तुम अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, ब्रेकअप होना तो नॉर्मल है। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये ट्राई करने का एक उद्देश्य देता है कि ट्राई करते रहो हमेशा, ऐसा नहीं है कि एक पर ट्राई कर लिया तो तुम ऐसा अफसोस करो कि यार इसके साथ हूँ सब कुछ परफेक्ट है लेकिन काश वो मिल जाती ना तो बात ही कुछ और होता, ऐसा ऐसा होता है। तो इसमें भी ये भी समझाने की कोशिश करी कि आप एक के साथ हो तो दूसरे के साथ जब आते हो तो आप सोचते हो काश ये मेरे पास होती, काश वो मेरे पास होती। तो ये काश बट को काश मत रहने दो, ट्राई करके देख लो, जिससे आपका सिंक बैठ रहा है उसके साथ आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, ये हम ही लोग के रूल रेगुलेशन बनाई हुई है। तो ये गाना ऐसे मोटिवेट कर रहा है लोगों को। और इसके कुछ लफ्ज़ों की बात कर ले तो एक नया एहसास देता है ये गाना, एहसास देता है कि हमेशा एक डिज़ायर ख़त्म मत होने दो अपने अंदर, प्यार का जो स्पार्क है, लव का जो स्पार्क है, वो खत्म मत होने दो। लड़कियां बहुत दिल तोड़ देती है तो तुम दिल तोड़ने से क्यों डरते हो, दो चार दिल तुम भी तोड़ो। प्यार प्यार में तो सब कुछ जायज है, जंग में भी सब कुछ जायज है, प्यार में भी सब कुछ जायज है। तो प्यार में दिल तोड़ना भी नॉर्मल बात है, तो तुम भी तोड़ो, दो तीन दिल तोड़ ही दो, क्या फर्क पड़ता है, जिससे सिंक बैठेगा वहां बैठ जाना। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है इस गाने में, जो कि मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग आप देखोगे इंडिया में मेल जो सुसाइड करते हैं वो प्यार में ही करते हैं, ये सच बात है। मेरे स्कूल में जब मैं था तो वहाँ पे भी एक लड़का ने सुसाइड किया था, और वो भी सिर्फ प्यार के वजह से। फिर नेक्स्ट ईयर भी एक लड़का सुसाइड किया, वो भी प्यार के वजह से। तो मतलब सोच रहे हो आप कितना सीरियस टॉपिक है ये, कि प्यार में लोग सुसाइड तक कर जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ये सीरियस टॉपिक है, तो यहाँ पे उस सबको एक मोटिवेशन दिया जा रहा है कि क्या फर्क पड़ता है, एक ब्रेकअप हो गया तो हो गया, दूसरा ट्राई कर लो, फिर उससे भी नहीं हो रहा तो अगला ट्राई कर लो, किससे सिंक बैठाना है देखो, जिससे ज्यादा सिंक बैठता है। जरूरी थोड़ी है कि जिसको पहला तुमने प्यार किया उससे जितना सिंक बैठा दूसरा से नहीं बैठेगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा बढ़िया बैठ जाए। तो ट्राई करना जरूरी है, अगर ट्राई नहीं करोगे तो जानोगे कैसे। बात करें इस गाने के DOP की, तो DOP बहुत ही परफेक्ट है, और रणबीर कपूर एज ऑलवेज मस्त, एकदम बिंदास, लंबे चौड़े मस्त ब्लैक सूट में पूरा डांस किए हैं, जो कि काफी अच्छा लगा। DOP का जो लाइट एंगल है, कैमरा एंगल, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। कैमरा एंगल वाइज देखा जाए तो गाना एकदम परफेक्ट है, लिरिक्स वाइज बहुत अच्छी गाना है। मैं बोलता हूँ कि ये यूथ को टारगेट करेगा, ये गाना पर्सनली यूथ को टारगेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूथ लोग आजकल इस समय ज्यादा फंस रहे हैं। बात करें इस गाने के बैकग्राउंड स्कोर की तो बहुत अच्छा है। बात करें एक स्पेशल चीज है इस गाने में, जो कि अनुभव कुमार बस्सी भी लास्ट में ग्रुप करते हुए दिख रहे हैं बीट्स पे, तो वो मेरे को काफी पसंद आया। बाद बाकी जो है गाने का कॉन्सेप्ट वो तो पता ही है, और गाना कौन गाया वो भी आपको पता ही है, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह की तो वॉइस मतलब समझ जाओ, कुछ बोलना है नहीं, अरिजीत सिंह तो अरिजीत सिंह है। सारे गाने को ऐसे गाते हैं कि सबके दिल तक टच कर जाते हैं। तो हाँ, गाना का रिव्यू अगर मैं दूँ, 5 में से 4 स्टार दूंगा, 1 स्टार में काटूंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो तो काटना बनता है, रिव्यूअर का काम ही वही होता है। लेकिन हाँ, बात बाकी गाना बहुत अच्छा है, आप जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। और ये पार्टियों में बजने वाला, मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आप जाओगे तो ये गाना अभी फेमस होने वाला भी निकला है, 1-2 दिन में ये पूरी तरह से वायरल हो जाएगा, सारे पब्लिक में आपको यही गाना सुनने मिलेगा। तो ये गाना यूथ को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहा है और बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहा है। तो बिल्कुल सुने ये गाना, जाके सुने, और इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप तू झूठी मैं मक्कार के लिए कितना एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।